हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए यूपी टेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लाया हूं। दोस्तों, यूपी टेट में एक कथन पूछता है कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, हम लोग कुछ कथन के बारे में जानेंगे और कौन से वैज्ञानिक उस कथन को दिया है इसको हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला कथन है, बालक को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्षों में क्या होता है, बन जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन जो है सिगमंड फ्रायड का है। किसका? सिगमंड फ्रायड का कथन है। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? तो दोस्तों, सीखने का आदर्श काल है ये आपका वेलेंटाइन ने कहा है। कौन सा? वेलेंटाइन। वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आइए अगला है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हरलाक का है। किसका? हरलाक। हलाक महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। अगला है, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। तो दोस्तों, ये कथन कौन से मनोवैज्ञानिक दिए थे कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है? तो दोस्तों, कोल एवं ब्रूस ने यह कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। आइए अगला है, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है। किसने कहा? तो रॉस। कौन? रॉस। रॉस महोदय ने कहे हैं कि बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, किशोरावस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्टेनले हाल। स्टेनले हाल। किशोरावस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्टेनले हाल का है। आइए अगला देखते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो दोस्तों, ये आपका किलपैट्रिक का है। किसका? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगला है, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। दोस्तों, ये कथन आपका वेलेंटाइन का है। किसे? किसका? वेलेंटाइन का। वेलेंटाइन का किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। आइए अगला देखते हैं, आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहूं उसे बना सकता हूं। ये आपका वाटसन का है। किसका? वाटसन। वाटसन। वाटसन का कथन है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहूं उसे बना सकता हूं। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन आपका रॉस का है। किसका? रॉस। आइए अगला देखते हैं, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। ये आपका वुडवर्थ का है। किसका? वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय जी का कथन है कि बुद्धि कार्य करने की एक क्षमता है। अगला है, यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है तो बुद्धि है। यदि व्यक्ति
वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है तो वह क्या है, बुद्धि है। ये कथन किसका है, तो यह कथन जो है काल्विन का है। किसका, काल्विन। काल्विन जी ने क्या कहे हैं कि यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है तो वह क्या है, बुद्धि है। किसका कथन है, काल्विन का कथन है। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों यूपी टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा। दोस्तों आइए एक बार और देख लेते हैं। बालक को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, ये किसने कहा, हल्लाक का कथन है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये आपका कोल एंड ब्रूस का है। बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है, ये आपका रॉस का है। किशोरावस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ये किसका कथन है, तो स्टेनले हाल जी का कथन है। आगे किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक का कथन है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, ये आपका वैलेंटाइन जी का है। आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ, ये आपका वाटसन जी का कथन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके किसका कथन है, रॉस का कथन है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, ये आपका वुडवर्थ का है। यदि व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है तो बुद्धि है, किसने कहा है, काल्विन का है। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को, इस कथन को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, निश्चित रूप से आपको पेपर में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।